ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। आपको बताया जाए इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लेना, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार, यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ ये तो बिल्कुल वहाँ सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर। अच्छा ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदड़ो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000 साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा, तो मैंने लगाया 300 दिन। अच्छा, उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी। ओके, और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ छिन पे अटैक करता है, और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में उन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलेन क्या खत्म हो गए आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप? वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं वैरायटी तो ठीक है भाई, जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। और आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो, शेर का क्या पता भाई? शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने वो नीचे है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला उड़ के उनके चला गया? ऐसे होता है ना सर? वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवाएं बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही धुल के वापस अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्चे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग जो कच्चा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। Why not? Liberation. अच्छा ऋतिक भाई बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी बहुत चूज नहीं करता हूँ। हाँ मतलब कुछ चूज करता हूँ, पर आप साल में एक हाथ फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं नहीं, हाफ अ फिल्म, मतलब 2 साल में। मेरी एवरेज हैज कम डाउन टू हाफ अ फिल्म, सो आई हैव टू बिल्ड ऑन दैट नाउ। पर जैसे आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। पर जैसे ऋतिक भाई आई एम वेरी अवेयर। नहीं पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है, अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं डायरेक्टर, 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं, किधर है तेरे को भी एक। क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ 2 फिल्में की हैं, जोधा अकबर भी काफ़ी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफ़ी समय लगा, मोहनजोदड़ो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है, सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं मैं मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ है, बिलीफ, मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करोगे ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान वाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट बदली भी नहीं, उन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया, जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो, आपके फैंस जानना चाहते हैं?
जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ. इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं. क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग. ऋतिक जी, जी आशी जी, पूजा की. पूजा की नहीं, पूजा जी. हम पूछ रहे हैं उनसे, पूजा की कि नहीं की, पहला हिंदी पिक्चर आ रहा है. कहने तो पूजा जी हमको रिंकू देवी कहते हैं, ऐसे लोग हमको भाभी कहते हैं, उनको सिक्सर सिद्धू कहते हैं, बेड को बिस्तर कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं, और जो 17-17 दिन हमारे घर नहीं आते उनको हमारे मिस्टर कहते हैं. तो ऐसा मुंह होएगा तो हस्बैंड क्यों आएगा घर पे, वो तो फिर भैया दूज पे ही आएगा ना. ये किसका मुर्गा मार के उसके पंख लगा के आ गई हो. नहीं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो. क्यों आशू जी, हमको ले लेते फिल्म में हीरोइन, हमको नहीं लिया, ऐसा क्या हो गया? सीरियसली वैसे आपको आप अगर पहले मिली होती तो जरूर मैं आपको लेता. पहले मिले थे लेकिन उस दिन जेंट्स थे हम भाई जान. तो आपको नजर नहीं आया. अच्छा, एक पिक्चर बनाया लगान जी, उसमें एक ही क्रिकेट मैच किया, गांव जिता दिया, गांव छुड़वा दिया. 5 मैच का टूर्नामेंट होता ना तो देश आजाद हो जाता, ऐसा करना चाहिए था. अच्छा है, पार्ट टू में करेंगे लगान पार्ट टू. रिंकू भाभी आप परेशान कर रही हैं, आपको पता है मुझे सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है उनके साथ, के भैल करोड़पति. आप फालतू में परेशान कर रही हैं उनको. उसी में तो हम एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं, परेशान किया. शुरू करो, जल्दी करो, हमको भी अपने हस्बैंड का जाके पजामा धोना है बाद में. चलिए दोस्त, सिटी केबल पे मैं आपका घर त्रिगुण सिन्हा का स्वागत करता हूँ. खेला शुरू करते कै भैल करोड़पति. और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर. खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी. तो खेल शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं, खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा. और हमारे गेस्ट के खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफलाइन है, आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे. तो खेल शुरू करते हैं. हमारे लिए क्या है, एक बात कान खोल कर सुन लो. आओ क्या, और हम सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे, क्या है, कान खोल के सुन लो बकवास. अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की तो ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके. गुदगुदी होगा, नहीं करवाएंगे ऐसी ऐसी, क्यों करवाएंगे. तो पहला सवाल 1,00,000 रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा मोहन जोदारो में पूजा को किस किया है. तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है. इंग्लिश में बता देता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द चुंबन. और आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर. ए गत्रुगन, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं, तबेला. तेरी भैंस का गोबर. पहला पूछो कि नहीं, सही ऑप्शन क्यों है. किस लिए है? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा. तेरी बहन का भतीजा. हाँ, क्या जवाब, क्या जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी, अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर. पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर.
बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर. दिस डायरेक्टर प्रेशर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.